अरे क्या यार फ्रैंकलिन भैया, हम लोग कब से यहाँ पर खड़े हैं? मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। देख यार शिनशान, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज भगवान के वास्ते मुझे डीमोटिवेट मत कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर मछली होती ना तो हमें मिल जाती थी। हाँ फ्रैंकलिन भैया, शिनशान एकदम सही बोल रहा है। तुम दोनों अपना मुँह बंद रखो, यहाँ से कम मैं एक मछली तो पकड़ के जाऊँ। अबे यार अब किसका कॉल आ गया, जल्दी से देखता हूँ। टोनी, शिनशान चौप मेरी बात सुनो, तुम लोग यहीं पर रहना, मैं अभी आया बात करके। बोलना भाई। फ्रैंकलिन तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्यों भाई, अब क्या हो गया? तुमसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने? पर कौन? अगर वो मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं। अबे यार ऐसा भी कौन है? मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ आके खुद देख लेना। अच्छा ठीक है, पता नहीं कौन होगा गाइस। शिनशान चौप जल्दी से चलो, हमें अभी निकलना होगा। टोनी ने तो कंफ्यूज कर दिया यार। अरे कहाँ पर जा रही हो? वो सब बाद में पूछ, जल्दी से गाड़ी के पास आ जा। अब तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, कितना जल्दी वहाँ पर पहुँचूं मैं। अरे मेरे लिए भी रुको ना। चौप भाई तू भी जल्दी आएगा। वैसे फ्रैंकलिन भैया एक बात बताओ, आप तो यहाँ से मछली पकड़े बिना हिलने वाले नहीं थे, अचानक से क्या हो गया? लगता है आखिरकार इन्होंने हार मान ही ली। अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, टोनी ने तुरंत हमें बुलाया है, पता नहीं कोई तो मुझसे मिलने आया है। अरे क्या बात कर रही हो, कौन है हमें भी तो बताओ ना। अरे यार मैंने भी उससे पूछा पर वो बता ही नहीं रहा था, बोल रहा था कि अगर मैंने बता दिया तो तुम लोग आओगे ही नहीं। अरे बाप रे, ऐसा कौन हो सकता है? अब वो तो जाकर ही पता चलेगा। चलो आखिरकार पहुँच ही गए। गाइस यार गाड़ी को यहीं पर पार्क करता हूँ, शिनशान तू भी जल्दी निकल, फटाक से भाग के देखते गाइस कौन हो सकता है। वूरा टोनी। टोनी यार अब तो बता दे कौन मुझसे मिलने आया है। एक मिनट, थैनोस यहाँ पर क्या कर रहा है? यही वो है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और देखा जाए तो हम भी। टोनी एकदम सही बोल रहा है क्योंकि मैं तो खतरे में हूँ ही, पर अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारा और मेरा दोनों का ही प्लेनेट खत्म हो सकता है। मेरी हालत बहुत खराब है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर हमें उन्हें जल्दी रोकना होगा। एक मिनट यार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, किसको रोकना पड़ेगा? अरे पहले तो मुझे ये बताओ कि पूरे दुनिया को खत्म करने की ताकत रखने वाले की ऐसी हालत किसने की? हाँ हाँ हमें बताओ, हमें जानना है। अबे यार तुम दोनों बोलने दोगे तो ना। थैनोस तू मुझे जल्दी से बता, तू किसकी बात कर रहा है और ये सब क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है बताता हूँ, हमारे बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद मैं सुधर गया था, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे, पर ये बात दूसरे डायमेंशन के थैनोस को पता चल गई जिससे उसे ऐसा लगा कि मैं कमजोर हो चुका हूँ। वो सीधा मेरे प्लेनेट पर आ गया, पर वो अकेला नहीं था, उसने अलग अलग डायमेंशन से बहुत सारे इविल सुपर हीरो को अपने साथ मिला लिया था। वो मुझे मारकर मेरे प्लेनेट पर कब्जा करना चाहता था, इसी चक्कर में हमारे बीच में बहुत लड़ाइयां हुई, पर वो लोग पांच थे, मैं उनके सामने नहीं टिक सकता था। एक दिन मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई, मैंने सोचा फिलहाल इस प्लेनेट से निकलना सेफ होगा। मैंने अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने की कोशिश की, धीरे धीरे कर वहाँ पर पहुँच भी गया, पर मुझे पता नहीं था वो लोग मेरा पीछा करेंगे। उन्होंने अंतरिक्ष में ही मेरे स्पेसशिप को उड़ा दिया, मैं बहुत बुरी तरीके से क्रैश होने वाला था, और जिस प्लेनेट पर मैं गिर रहा था मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये अर्थ है, क्योंकि उस समय मेरी हालत खराब थी। एक टाइम के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि अब कम से कम मेरा पीछा तो छूटा उनसे, पर मैं गलत था। अब मेरा प्लेनेट तो उनकी नजर में था ही, तुम्हारा प्लेनेट भी है, और अर्थ पर मैं बस तुम लोगों को जानता हूँ जो मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं सीधा टोनी के पास आ गया, और टोनी ने मुझसे कहा कि फ्रैंकलिन तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या? एक मिनट टोनी, तूने तो मुझे कहा था कि थैनोस ने मुझे बुलाया है, और ये बोल रहा है कि तूने बोला था? मैंने तुम्हारा नाम इसलिए लिया क्योंकि तुम ऐसे काम पहले भी कर चुके हो, अगर फ्रैंकलिन नहीं करेगा तो हल करेगा। ये नारे बका, आप बहुत रिस्की छे। अबे यार अच्छा ठीक है चलो, मैं मदद कर भी दूं, पर मैं करूंगा कैसे, फिलहाल मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें अपनी पावर और सूट भी दूंगा, तुम बस यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है जैसा तुम बोलो। लो खड़ा हो गया, अब बस वही रुकना, मेरे में जितनी पावर बची है मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये लो। अबे यार ये सब क्या हो रहा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है यार। एक मिनट, ये मैं कैसा थैनोस बन गया हूँ, ये तो काफी अलग लग रहा है, इससे मैं उसे हरा पाऊंगा? इससे तो नहीं, पर तुम इसे अपग्रेड कर सकते हो, नए सूट के साथ नई पावर्स भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, शिनशान चौप टोनी के पास ही रहना, देखो थैनोस पर अभी भी मुझे भरोसा नहीं है। चलो यार गाइस अब चलते हैं यहाँ से फटाफट, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने सूट को अपग्रेड कैसे करूंगा। अबे यार गाड़ी पड़ी है ना, मैं चल के क्यों जा रहा हूँ? भाई गाई मैं ना सब कुछ भूल ही जाता हूँ। चलो अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि हमें ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, और भाई साहब इस बार तो कम से कम पांच विलन है, हमें सबको एक एक करके हराना होगा, क्योंकि अगर वो लोग साथ में आ गए ना तो वही हाल हमारा होगा जो थैनोस का हुआ था, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अरे यार अब किसका कॉल है? टोनी, जल्दी से उठाता हूँ। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, हमें पहले इविल एवेंजर का पता चल चुका है। क्या बात कर रहा है, कहाँ पर है वो? वो तुम्हें बैंक के पास मिलेगा। चल इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। तो गाइस यार टोनी ने जो लोकेशन बताई थी ना वो तो यही पर है, और जरा देखो तो सही, यहाँ पर तो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, पक्का कुछ तो हो रहा है गाइस, हमें पता लगाना होगा, पक्का वो इविल एवेंजर यही पर होगा। एक काम करता हूँ, जाके ऑफिसर से पूछता हूँ। अरे सर यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन है अंदर? वो दिखने में कैप्टन अमेरिका जैसा दिख रहा था, पर उसके
उसकी आवाज एकदम अलग थी, वो बहुत खतरनाक है। एक मिनट, कैप्टन जैसा दिख रहा था मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम बस इतना समझ लो कि वो अंदर बैंक को लूटने गया है और बाहर उसके दो गुंडे हैं जो कि हैवी वेपन्स के साथ है। हम ज्यादा चालाकी नहीं कर सकते। इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर उससे पहले आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे पास कोई पावर नहीं है, मुझे हथियार की जरूरत पड़ेगी। आप बस मुझे गन दे दो। चलो गाइस, गन तो मैंने ले ली। एक मिनट, वो लोग तो शूट करने लग गए। तेरी तो मैं ये गया गाइस। अब जल्दी से अंदर जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ पर होगा। अरे यार, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो, भागो जल्दी से। गाइस, वो नीचे साइड होना चाहिए क्योंकि बैंक का सारा कैश वहीं पर रखा होता है। ओहो, जरा देखो तो सही, इसने तो लॉकर का दरवाजा ही तोड़ दिया, वो भी इतना मोटा वाला। अब मेरी थोड़ी सी फट रही है। ओह अबे यार, ये तो हूबहू कैप्टन जैसा दिखता है। तुम कौन हो, मेरे रास्ते में क्या कर रहे हो? अभी के अभी हट जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। बुरा अंजाम तो तुम्हारा होगा, यहाँ से मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी ले जाने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुम यहाँ के हीरो लगते हो, कोई बात नहीं, अब तुम भी मरोगे। देखो, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। अभी के अभी अपने हाथ ऊपर करो, तुम तो जेल में सड़ोगे। अच्छा बच्चू, मैंने तुम्हें वार्न किया था, अब तुम भुगतोगे। ये लो, आया बड़ा हमसे लड़ने वाला। हम इस प्लेनेट के लोगों जितने कमजोर नहीं। अब जल्दी से अपना कैश उठाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। गाइस यार, बहुत जोर से मारा, उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। एक मिनट, अबे कैश कहाँ गया? और वो भी गायब है। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ से भाग जाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जल्दी जल्दी उसके पीछे जाना पड़ेगा। गाइस, वो तो यहाँ पर भी नहीं है, मतलब बाहर निकल गया है। ओ भाई, अबे यार, गाइस गड़बड़ हो गई, जल्दी से जल्दी उसका पीछा करना होगा। कैप्टन का गुंडा गाड़ी चला रहा है और वो खुद छत पर खड़ा है ताकि जो भी उसे रोकना है उसे शूट कर सके। मैं भी देखता हूँ कब तक भाग कर जाएगा। ये रहा, कैसे भी करके बस उसके नजदीक पहुंच जाऊँ। अबे यार, ये तो फायर करना छोड़ ही नहीं रहा। थानोस ने सही बोला था, ये इविल एवेंजर बहुत खतरनाक है। अबे उस साइड कहाँ जा रहा है? ओ गाइस, मुझे लगता है अब ये गिरेगा। अबे नहीं नहीं, उसने तो बैलेंस कर लिया, अपनी गाड़ी उल्टी हो गई। कोई नहीं, ज्यादा दूर तो नहीं जाने दूंगा मैं इसको। ये कुछ ज्यादा ही रफ नहीं चला रहा गाइस, जहाँ से रास्ता मिल रहा है वहाँ से घसीट रहा है। तो मैं जोर जोर से टक्कर मारता हूँ गाइस। और अबे नहीं नहीं, आगे निकल गया। मेरे रास्ते से हटो, तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे। गाइस यार, वो हमें टक्कर मार के आगे जा रहा है। कोई नहीं, अभी भी मैं बहुत ज्यादा नजदीक हूँ, हमारे पास चांस है। तेरी तो रुक। अभी तो ये गिरने वाला था। अबे नहीं नहीं नहीं, हमारी गाड़ी उसके नीचे आ गई। अभी तो पचक ही जाता। मैंने तुमसे कहा हमसे दूर रहो, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अंजाम तो तेरा बुरा होगा। ये ले। और गाइस, फाइनली हमने कर दिखाया, इसकी गाड़ी यहाँ पर अटक गई है, इसे मार गिराना है मुझे। और ये गया। चलो गाइस, 5 में से 1 तो डाउन हुआ। सबसे पहले तो चेक करता हूँ कि कैश सही सलामत है या नहीं। जल्दी से खोल के देखते है। पैसा तो यही पर है। गाइस यार, मैं आपको एक बात बोलूं, देखो हमें नए सूट खरीदने और हमारे सामने पैसे है, और वैसे भी चोर से चोरी करके क्या ही हो जाएगा, हम थोड़ी ना चोर कहलाएंगे। तो ये पैसे मैं रख लेता हूँ। पूरे $1,00,000 है गाइस, इससे हमारा नया सूट आ सकता है। जल्दी से जाके यही पर खड़ा हो जाता हूँ और देखते $1,00,000 में कौन सा सूट है। बाय। ओ भाई, अबे यार, ये वाला सूट मैं पहली बार देख रहा हूँ, पूरे व्हाइट कलर का थानोस। देखो अभी हमें चल के जाना होगा, गाड़ी तो खराब हो चुकी है। एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ बोलना टोनी, तुमने उस अवेंजर को पकड़ लिया? अरे हाँ, मैंने पकड़ लिया, आगे बोलेगा। तो तैयार हो जाओ, हमें दूसरे की भी लोकेशन मिल चुकी है, पर वह बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। उसने लोगों को कैदी बना दिया है, एक पूरे ब्रिज को उड़ा दिया है, और उसके पास खुद की सेना भी है। अच्छा ठीक है गाइस यार, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा इविल एवेंजर है जिसके पास खुद की सेना है? अबे यार, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार। ओ गाइस, एक मिनट, हम लोग यहाँ पर पहुँच तो गए, और आपको दिखाई दे रहा है, ये तो डिस्ट्रॉयर की आर्मी है। अबे यार गाइस, पक्का ये थॉर होगा। और ये रहे वो सारे लोग। अबे यार, उस तक पहुँचना है तो इन सब के बीच में से होकर जाना होगा। ये क्या करूँ। सबसे पहले तो छुप के देखता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर कोई तो है, कोई छुप कर हम पर नजर रख रहा है। सब लोग चौकन्ने हो जाओ, हमें इसे सबक सिखाना होगा। गाइस, मुझे लगता है इनको पता चल चुका है, इससे पहले ये मुझे धोए, मैं जाके इनको धो देता हूँ। वैसे भी बहुत ज्यादा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। तेरी तो ये ले। अब इसकी बारी, दूर हट यहाँ से। वाह यार, ये वाला थानोस तो कमाल का है। अब ये भी गया। अबे नहीं नहीं, एक साइड से आ रहा है, बाहर बाहर बचा। ये ले और ये खा। ओ गाइस, पीछे से भी एक आ रहा है। चौकन्ने होके काम करना पड़ेगा। और एक और गया, क्या उछाला है मैंने इसको। एक और को उछालते गाइस, ये भी उछला। अब इसकी खैर नहीं, अब इस वाले की ऐसी की तैसी करते घुमा के देता हूँ एक। ओहो, यहाँ पर भी दो जना गाइस, एक गया। अब बारी है दूसरे की, दूसरा भी गया। चलो एक यहाँ पर ऊपर है, थोड़ा जम मार मार के जाना होगा और इसे घुमा के लाद देते हैं। भाई साहब, गाइस मुझे लगता है यहाँ का रास्ता तो मैंने साफ कर ही दिया है, अब हमें जाके लोगों को भी बचाना होगा। बुरे सारे लोग, सब लोग मेरी बात सुनो। देखो अभी के लिए तो तुम लोग सेफ हो, मैंने सबको मार दिया है, पर मैं ज्यादा देर की गारंटी नहीं लेता। तुम सबको यहाँ से निकलना होगा, तो तुरंत अभी के अभी भागो यहाँ से। चलो गाइस, ये लोग तो निकल लिए यहाँ से, कल्टी मार रहे हैं। अब मुझे इस जगह को बराबर जाके देखना होगा, और कोई तो नहीं बचा। हालत खराब करके रखी है इस ब्रिज की। एक मिनट, अबे ये मिसाइल कहाँ से आई? गाइस
प्लीज यार वहाँ से कोई मिसाइल फायर कर रहा है, सबसे पहले जाके छुपता हूँ। कौन हो सकता है, ध्यान से देखते हैं। मेरा शक एकदम सही निकला, ये तो इविल थॉर है भाई साहब। तुम जो कोई भी हो बचोगे नहीं, खत्म करके रख दूंगा। गाइस यार ये तो मिसाइल पे मिसाइल फायर कर रहा है, मुझे उसके पास पहुंचना होगा वरना मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। छुप छुप के जाता हूँ। चलो अगर वो हमें देख ही नहीं पाएगा तो फायर कैसे करेगा। गाइस उसे पता है हम लोग कहाँ पर है, अब तो मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना ही होगा। यही से जब मारता हूँ, गाइस हम लोग गिरने वाला। ओ भाई साहब क्या लगी है यार तगड़ी वाली। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अबे यार नहीं बात है, ये अभी भी फायर कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं उसके पास पहुंच सकूं। देखो गाइस वो रहा वो ऊपर, वहां से ही फायर कर रहा है। एक मिनट, मैं इसके ऊपर से होकर जा सकता हूं। ये ब्रिज जैसी दिखने वाली चीज जो भी है, जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचता हूं। कैसे भी करके उस पर चढ़ना होगा गाइस मुझे। अब इस रस्सी पर चढ़ाई शुरू करते हैं। अबे यार ये तो काफी थका देने वाला काम है, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। फटाफट चढ़ता हूं। आप लोग देख रहे हो सीधा मुझ पर ही निशाना लगा रहा है, पर तब तक हम लोग थोड़ा ऊपर सरक जाते हैं। बस बस मैं पहुंचने वाला और गाइस ये मैं पहुंच गया। अब तो ये इविल थॉर गया, इसको छोड़ूंगा नहीं। देख रहे हो कैसे फायर किए जा रहा है, इसकी नजर बस हम पर ही टिकी हुई है। एक भी मिसाइल लगे ना तो हमारे तो चीतड़े उड़ जाएंगे। चलो चलो यही से जब मारना है। अबे नहीं 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 अभी भी फायर कर रहा है। इसकी तो मैं बस थोड़ा सा रास्ता, फिर इसका खात्मा है। तेरी तो ये ले। अबे नहीं नहीं मेरा भी पैर चुक गया यार। गाइस बहुत जोर से लगने वाली है, पेट में लगी है सीधी। चलो कम से कम इसके वजह से बच तो गए। और गाइस उसी के साथ सेकंड विलन भी डाउन। जरा देखो तो सही कैसे पड़ा है। चलो अब चलते हैं यार, इसको मार के हमें $5,00,000 मिल गए, ये हमारे काफी काम आ सकते हैं। तो यही पर खड़े होके सूट बदल लेते हैं। जल्दी से खोलता हूँ मार्केट, देखता हूँ $5,00,000 में कौन सा सूट है। और बाय यार ये क्या है, एक रोबो थैनोस। जरा देखे तो सही गाइस हमें और कौन सी पावर मिली है। ओहो भाई साहब हम लोग तो उड़ भी सकते हैं। गाइस यार इस रोबोट थैनोस में तो बूस्टर लगे हुए हैं। एक मिनट यार टोनी का फोन आ रहा है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से जल्दी शहर के बीचों बीच पहुंचो। अरे पर हुआ क्या, इविल हल्क शहर में तबाही मचा रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा। ओके तो गाइस यार हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। लोकेशन तो यही की थी वोरा। भाई साहब ये तो रेड हल्क है, ये तो वैसे भी इविल ही होता है ना। गाइस यार हमसे नॉर्मल वाला तो संभलता नहीं, हम इविल को हराने आए। तुम कौन हो पिद्दी से रोबो, यहाँ क्या करने आए हो। भाई थोड़ा ठंडा ले, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, देख गुस्से से लाल हो गया तू। मैं क्या बोलता हूँ ये सब छोड़ना। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ तबाह कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, किसमें इतनी ताकत नहीं है। देख ताकत के लिए चैलेंज मत कर। और तू ये सब कर क्यों रहा है, चुपचाप जहाँ से आया वहाँ चला जा। मैंने सुना यहाँ पर एक और हल्क है, मैं सब कुछ खत्म करके उसे भी खत्म कर दूंगा। अबे यार ठीक है तू ये शक्तिशाली। अबे यार छोड़, नहीं नहीं नहीं, क्या पटका है। गाइस ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। अबे कार नहीं, यहाँ पर आ, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये ले। गाइस यार इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तेरी तो मैं कहा गया, ये रहा। हम लोग तो फायर भी कर सकते हैं यार, हमारे अंदर बुलेट्स भी है। जिसका के कोई फायदा नहीं है, इसकी मोटी चमड़ी के आगे कुछ नहीं टिक रहा है। कुछ और करना पड़ेगा, हमारे हथियार से ट्राई करते, ये ले इसकी तो हम लोग पुंगी बजा देंगे, ये ले छोटी छोटी मिसाइल्स, तेरी तो मैं ये ले। और ये खा। गाइस यार इसके वेपन्स काफी कमाल के। ओ अपनी तरफ आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, आजा अब इसको उठा के पटकते, ये ले। गाइस यार ये सूट कमाल का है, हल्क भी हमारे सामने नहीं टिक पा रहा है। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा था भाई, तेरी तो मैं ये ले। और ये खा, अभी घुमा के फेंकता हूँ इसको, तो घुमर और ये गया। हम लोग तो लेजर भी छोड़ सकते हैं। अब इसकी वाट है गाइस, उंगली बजा के रख दूंगा। गाइस इससे पहले ये उठे इसको एकदम से खत्म कर देता हूँ। और ये गया, अब तो पक्का नहीं बचा होगा, इसका तो नामो निशानी मिट गया यार। अब तो ये अपने डायमेंशन में छोड़ो कहीं पर भी नहीं जा पाएगा। गाइस यार इसको मार के हमें $10,00,000 मिले। जरा देखे तो सही $10,00,000 में कौन सा सूट आता है। और ये रहा $10,00,000 वाला सूट। वो ये किंग थैनोस, कितना कूल लग रहा है यार ये, और कितना खतरनाक है। एक मिनट, रोड पे इतने सारे पेपर क्यों बिखरे हुए हैं, और वो भी सब एक जैसे दिख रहे हैं। क्या लिखा है, लॉस सेंटोस में रैम चैलेंज होने वाला है। भाई साहब ये हुई ना बात। गाइस यार जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं, हमारे लिए तो सुनहरा मौका है पैसे कमाने का, ऐसे कैसे हाथ से जाने दे हम लोग। चलो हम लोग लोकेशन के पास तो पहुँच गए, अब इनको जाके पूछता हूँ। अरे भाई साहब यहाँ क्या चल रहा है। एक मिनट, अबे ये यहाँ कहाँ से आया। मुझे पता था, मैंने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देख लिया था, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अरे यार ये गलत बात है, तुम लोग ऐसे किसी भी इविल एवेंजर को कैसे ले सकते हो।
इसे अभी के अभी बाहर निकालो। अरे नहीं निकाल सकते, ये एक फेयर मैच होगा, जो भी चीटिंग करेगा मैं उसे ही निकाल सकता हूँ। अबे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों क्या हुआ, डर गए? जाओ अपने घर पर जाके सो जाओ। मैं कोई डरा वरा नहीं हूँ। ठीक है भाई, हो ही जाए, अब तो ये रेस में जीत के रहूंगा। गाइस यार जल्दी से जाके अपनी बाइक पर बैठते हैं और इसे शुरू करते हैं। ये देखो ये भी बैठ गया है, ये बस शुरू होने वाला गाइस, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं, हम लोग अभी भी सबसे आगे। सबसे क्या, एक से ही आगे। अबे नहीं नहीं, ये तो स्पीड में आगे आ रहा है। इसको डर वर लगता है कि नहीं, गिर भी गया तो? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी के लिए आगे ना गाइस, थोड़ी देर बाद हम लोग इसको पीछे कर देंगे। अब यार कहाँ अटक गया, जल्दी से चल। वो बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया यार, हमें थोड़ा और फास्ट होना होगा। पर क्या करूं, यहाँ के रास्ते इतने छोटे छोटे ना, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अभी भी ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग उसको पीछे कर सकते हैं। अब ये चीज थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। गाइस ये रास्ता तो कुछ ज्यादा ही पतला है यार, अब इसके ऊपर से कैसे जाएंगे? बैलेंस करते हुए जाना होगा, वरना गिरेंगे ना तो वो और आगे निकल जाएगा। आराम से धीरे धीरे धीरे, शांति से, कोई घाई नहीं है। गाइस यार ये तो दूसरे वाले की तरफ भी बढ़ गया है, हमें भी थोड़ा जल्दी करना होगा। यहाँ तो मैं बोल देता हूँ, जैसे ऊपर जाता हूँ ना, मेरी फटनी शुरू हो जाती है। ओ आप लोग देख रहे हो, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। मुझे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, यहाँ पर थोड़ा धीरे जाऊंगा तो चलेगा। चलो चलो चलो, थोड़ा ही बाकी है। वो आगे निकल गया, अब यहाँ से अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ और ये मैच चला। देख रहे हो गाइस, मैं उसके पास पहुंच ही गया हूँ लगभग। अबे जाता कहाँ पर है, रुक, मुझे नहीं हरा सकते। ऐसी बात है, जरा ये देख गाइस, यार हम लोग उससे आगे निकल गए। अब बढ़ के बताना आगे, इसको तो इस बार आगे जाने ही नहीं दूंगा। ऐसे ही तड़पता रहे भाई, तड़प तड़प के ही हारेगा तू। यहाँ से जंप मारनी है और ये मैं पहुंच गया। अबे यार इतने बड़े बड़े गड्ढे बीच में ना, कभी कभी तो इनको देख के ऐसे डर लग जाता है। चलो गाइस ये फाइनल स्टेज है। अबे नहीं नहीं, आगे 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 आगे, बच गए। एकदम सटक सटक के चल रहा है वो हमारे से। हमारी मंजिल हमारे आंखों के सामने है और ये मैं चला, जीत गया गाइस। क्या बात है, क्या हुआ बेटा, हालत पतली हो गई? अरे डूड ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे रुक 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 रुक, जाता कहाँ पर है? तेरी तो मैं ये ले। रुको, मुझे माफ कर दो, मैं उनका साथ छोड़ दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, अभी के लिए मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, लो जाने देता हूँ, जा यहाँ से, नीचे जाके मुझे बताना। चलो गाइस ये भी बचने वाला नहीं है, अभी एक और इविल एवेंजर गया। वैसे तो सारे चले गए, अब बस थेनोस बाकी है, इविल थेनोस। तो गाइस रैम जीत के और इसे मार के हमें मिले हैं पूरे $5 मिलियन। तो देखते हैं कि $5 मिलियन में कौन सा सूट है। और ये बाइक, ओहो काफी बल्कि है यार, और काफी ढासू लग रहा है, इसका तो आर्मर भी बहुत मस्त है। चलो अब यहाँ से चलते हैं, हमें जाके उसे ढूंढना भी है। अबे नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैं उड़ सकता हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चला कि उड़ना कैसे। कोई नहीं, पता लगा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे पहले भी उड़ चुके। अरे यार अब किसका फोन बज रहा है? फोन तो मेरा ही बज रहा है, मतलब कि किसका फोन आ रहा है? ओके टोनी। हाँ बोलना। एक गड़बड़ हो गई है, हमारा थेनोस इविल थेनोस के हाथ में लग चुका है और वो उसे लेके यहाँ से निकल गया है। हमने अपने वाले थेनोस में एक चिप इंसर्ट करके रखी थी जिससे हमें उसकी लोकेशन मिल रही है, इससे पहले वो उसको मार दे और लोकेशन चली जाए, तुम फटाफट वहाँ पर पहुँचो। अच्छा ठीक है। गाइस यार अब ये क्या मुसीबत है, हमें जाके थेनोस को बचाना होगा। इतने एवेंजर के बीच में से भी वो थेनोस को ले गया। चलो कोई नहीं, हम लोग छुड़ा लेंगे, अब उड़ने की ट्राई करते हैं। हो, हम लोग तो पहले से भी स्पीड उड़ पा रहे हैं। ये वाला सूट तो और भी गजब का है यार। अब लोकेशन चेक करते वो कहाँ हो सकता है। तो गाइस लोकेशन के हिसाब से तो वो यही होना चाहिए। यहाँ की तो हालत खराब हो गई है, मौसम भी बिगड़ रखा है। बुरा थेनोस, इसने तो सच्ची में इसको पकड़ के रखा है, हम लोग सही टाइम पर आ गए। देखो गाइस वो उसके कब्जे में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको इसके कब्जे से बाहर कैसे निकालूं। इविल थेनोस अभी के अभी उसे छोड़ दे, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। अच्छा और तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वैसे भी तुम यहाँ पर आके पछताओगे। अब मैं दो दो थेनोस को खत्म करूंगा। अबे यार मैं इसको धमकी दे रहा हूँ, ये तो रिवर्स में मुझे ही धमकी दे रहा है। तुम दोनों का खात्मा होगा आज, सबसे पहले इसे मारूंगा फिर तुम्हें। गाइस यार देखो ऐसे तो हम लोग उसे बचा नहीं पाएंगे, देखता हूँ मेरे पास कोई नई पावर है या नहीं, इसे मैं दूर से कंट्रोल कर सकता हूँ क्या। ओहो अभी इसे दूर फेंकता हूँ, जा यहाँ से थेनोस, तू टोनी के पास जा, मैं जाके इसे देखता हूँ। अब तो ये इविल थेनोस गया। ओ भाई 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 भाई, रुक जा। कोई नहीं, अब हम लोग पहले जितने कमजोर नहीं, हमारे अंदर खतरनाक पावर है। इसका तो शरीर ही मैंने आड़ा टेढ़ा मोड़ दिया, अब पटकते जोर से, थोड़ी बहुत धूल भी चाट लेनी चाहिए। गाइस अब इसे यही पर मार देते हैं अपना फाइनल अटैक करके। और ये क्या उपाय, नहीं। अब यार ये अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, पहले मुझे इसे कमजोर करना होगा तभी वो अटैक काम करेगा। तेरी तो ये ले, हो क्या पावर्स है यार। अब बीम्स का इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे सामने ज्यादा देर नहीं टिक
पाएगा। कहा गया अभी यही पर था। नहीं, अचानक से आता है यार। अब ये ले, इसे यार रेड हल्क तो मर गया था पर इसे कुछ नहीं हुआ, अब होगा। और ये गया, ये दूसरा पंच। क्या उड़ रहा है ये, तुमने फोर्स में पड़ रही होगी ना इसको। गाइस अब बहुत हो गया, अब इस पर अपना फाइनल अटैक ट्राई करते हैं। और ये गया, इसे तो चट्टानों के बीच में कुचल के मार दूंगा। ये बूम, और गाइस ये गिरा नीचे। फाइनली हमने इविल थैनोस को हरा दिया है, जरा देखो तो सही, हिल भी नहीं रहा है। गाइस यार काफी मेहनत हो गई आज तो। आज के लिए बहुत हो गया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मेरी पर्सनल आईडी भी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।